सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम। तो कल आपको पढ़ाया था बाबू नंबर कैसे कैसे बाबू प्रयोग है ना बाबू, ये बना है ना। तो सबसे नीचे में रह गया था, सबसे पहले ऊपर मेरा क्या था, नंबर बाबू। नंबर का दो गो बाल बच्चा बाबू कौन सा, एक रियल नंबर था, दूसरा मेरा क्या था, इमेजिनरी नंबर था। कल वाला कहानी याद करो, कल वाला कहानी याद करो, ठीक है ना। अब उस सबको हम बारी बारी से डिफाइन हम करने नहीं जा रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि आप लोग क्लास 9 के बच्चे हो, तो 9 के बच्चे इवन नंबर ऑड नंबर उतना डिफाइन करेंगे तो फिर सिलेबस कब खत्म होगा, है ना। तो नंबर का बाबू कै गो बाल बच्चा, दो गो बाल बच्चा है ना भोला, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। आप जितने भी सारे नंबर बाबू सोच सकते हो वो रियल नंबर होता है ना, वो सारे का सारे क्या होगा, रियल नंबर। जैसे -10 -20 0 डेसिमल वाला फ्रैक्शन वाला सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है, सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है, ठीक। अरे इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे सर? तो अगर बाबू स्क्वायर रूट के अंदर, किसका, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कहने का मतलब क्या सर, जैसे स्क्वायर रूट है ना ये हो गया, इसके अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर आ जाता तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे सर, इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर, है ना, क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर, है ना, ठीक। तो ये हो गया, फिर रियल प्लस इमेजिनरी अगर मिला दोगे तो मेरा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। रियल प्लस इमेजिनरी अगर मिला देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक। इतना तो समझ में आ गया, है ना। फिर बाबू उसके बाद आपको बताया था बाबू, रियल नंबर का दो गो बाल बच्चा है ना, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, है ना। रियल नंबर का कई गो, दो गो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको कहोगे, तो जो भी स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4 नहीं, स्क्वायर रूट 5 6 है ना, 7 है ना। तो वो सब सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते, सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होता है ना, इरेशनल नंबर होते, ठीक। अरे मेरे लाल, हाँ सर हाँ सर, कल नहीं बताया था भोला, कल बताया था ना बाबू, दिख रहा है क्लियर जी? दूगो पर बोले अनुष्का, दिखता है क्लियर बाबू कि नहीं दिखता अनुष्का? चलिए ग्लेयर करता है क्या भोला, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो सारे के सारे मेरा क्या होता है बाबू, है ना, सारे के सारे क्या होता है बाबू, अगर जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं, है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 ये सब नहीं होना चाहिए ना, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 8 9 वाला नहीं होना, तो वो सब सारे के सारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, ठीक। अब फिर रियल नंबर का बाबू दो पार्ट, रियल नंबर का मेरा बाबू क्या, दो पार्ट है ना, एगो आपका बाबू कौन सा हो जाएगा, एगो रेशनल कर लोगे, एगो आपको क्या कर लोगे भोला, है ना, आपका इंटीजर वाला कर लोगे, है ना। तो बाबू इंटीजर में जैसे मेरा क्या आएगा भोला, कल आपको बताया था ना भोला, मेरा इंटीजर में आपको क्या आएगा, तो इंटीजर हम लोग किसको कहते हैं सर, इंटीजर हम लोग किसको कहते हैं, म्यूट कर भोला, इंटीजर हम लोग किसको कहते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस प्लस इन्फिनिटिव तक जो भी नंबर है उसको क्या कहोगे, इंटीजर कहोगे। लेकिन हाँ बाबू बड़े डेसिमल वगैरह नहीं लेना, म्यूट करो जी, किसका म्यूट है, क्या लेना, डेसिमल वगैरह नहीं लेना, है ना। जैसे क्या बाबू, -1 -2 -3 है ना, -4 है ना, 6 8, ये सब सारे के सारे आपके क्या बनेंगे, इंटीजर बनेंगे, सारे के सारे क्या बन जाएंगे, इंटीजर बन जाएंगे, है ना, इंटीजर बन जाएंगे, ठीक। उसके बाद नीचे में आ जाओ बाबू, है ना, सबसे लास्ट में नीचे में आ जा, तो आपका क्या था, प्राइम नंबर था, ऑड नंबर था, है ना बाबू, इवन नंबर था और कंपोजिट नंबर था, और मेरा क्या था भोला, मेरा आपका एक और कौन था, परफेक्ट नंबर था ना, नीचे वाला, है ना बाबू, सबसे लास्ट में। कल आपको बाबू एक टेबल बनाया था ना, एक ट्री बनाया था ना, तो सबसे नीचे में मेरा कौन था भोला, है ना, आपका बाबू होल नंबर से बाबू 0 हटा दोगे तो मेरा क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर बन जाएगा। और नेचुरल नंबर का बाल बच्चा कौन कौन सा बाल बच्चा था, तो आपका कौन था, इवन नंबर था, ऑड नंबर था, कंपोजिट नंबर था, परफेक्ट नंबर था। तो इवन नंबर किसको कहोगे सर, वह नंबर बाबू जो 2 से डिवाइड होगा उसको क्या कहोगे, इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा उसको ऑड नंबर कहोगे। और प्राइम नंबर किसको कहोगे, वह नंबर बाबू जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो गए। कहने का मतलब क्या मेरे लाल, कहने का मतलब क्या भोला, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो गए, जैसे मेरा क्या हो, जैसे आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 2 ही होगा, 1 होगा नहीं तो क्या होगा, 3 होगा, है ना, 1 होगा नहीं तो क्या होगा, 3 होगा, है ना। नेक्स्ट भाव जैसे 7 हो गया, तो 7 मेरा क्या हो गया, 2 होगा फैक्टर, 1 और 7। तो ये सारे का सारे क्या, प्राइम नंबर है, सारे का सारे क्या है, प्राइम नंबर। फिर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, तो जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो गया, जैसे 8 हो जाए, तो 8 मेरा कौन कौन सा फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, है ना बाबू, और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये मेरा कौन सा नंबर हो जाएगा बाबू, ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, है ना, ठीक। तो प्राइम नंबर किसको कहोगे, जिसका जिसका 2 फैक्टर होगा उसको क्या कहोगे, प्राइम नंबर कहोगे। जिसका भोला बाबू है ना बाबू, जिसका बाबू मेरा फैक्टर क्या होगा, है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, उसको क्या कहोगे, कंपोजिट नंबर कहोगे, उसको क्या कहोगे, कंपोजिट नंबर कहोगे, है ना। एक आता है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर किसको कहेंगे, दिमाग लगाओ, परफेक्ट नंबर किसको कहोगे भोला, परफेक्ट नंबर किसको कहोगे बाबू, एक होता है परफेक्ट नंबर, किसको कहेंगे परफेक्ट नंबर, बता बाबू शिवेंदर, बता भोला, परफेक्ट नंबर किसको कहोगे, परफेक्ट नंबर किसको कहेंगे बाबू,
हेलो, किसको कहोगे परफेक्ट नंबर? बोलो बाबू। बोलो बाबू, अगर आप परफेक्ट नंबर किसको कहेंगे? शिवेंद्र बोला। हर्षवर्धन बाबू, परफेक्ट नंबर किसको कहेंगे? हर्षवर्धन। ए हर्षवर्धन भोला, इसके मम्मी से बात करना पड़ेगा। हर्षवर्धन, ए हर्षवर्धन बाबू, ये पढ़ नहीं रहा। कौन? आशुतोष है जी। आशुतोष बोला आगे बाबू। आशुतोष, आशुतोष बोला। हाँ परफेक्ट नंबर का एक एग्जांपल दूं। देखो बाबू, परफेक्ट नंबर किसको कहोगे? ध्यान रखना शिवेंद्र बोला, है ना? परफेक्ट नंबर किसको कहेंगे? शांति से समझो। फिर रेशनल नंबर समझा रहे हैं आपको, है ना? रेशनल नंबर समझा रहे हैं, रेशनल नंबर समझा रहे हैं। देखो, अगर बाबू परफेक्ट नंबर आप लोग किसको कहोगे उसको समझो, है ना? अगर बाबू जिस नंबर का, बाबू शांति समझना, परफेक्ट नंबर किसको कहेंगे? किसको कहेंगे लव बाबू, जानता है जी? लव जानता कि नहीं जानता बाबू? लव बाबू, लव बाबू परफेक्ट नंबर जानता है कि नहीं जानता भोला? चलो ठीक है, देखो समझो शांति से। सर देखो, चार का फैक्टर कौन कौन होता है? चार का कौन कौन से नंबर से मर रहा है? तो वन से मरेगा, टू से मरेगा, चार मेरा किस किस नंबर से? वन से मर रहा है, टू से मर रहा है, फोर से मर रहा है। ठीक, अब चार का जितना सारा फैक्टर है उसको सम करो, तो 1 + 2 + 4 + ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, जितने भी बाबू कोई परफेक्ट नंबर किसको कहोगे? तो यदि किसी नंबर को बाबू फैक्टर करने पे और उसके सारे फैक्टर को जोड़ने पे दिए गए नंबर से दुगना अगर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे, है ना? परफेक्ट नंबर कहेंगे ना। तो इसको बाबू, चार को फैक्टर करो, कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा? एक से होता है, दो से होता है, चार से होता है, तो इस सारे का सम करो, कितना आएगा? 7 आएगा, है ना? कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है ना? ठीक, 7 बाबू, चार से दुगना है, चार से दुगना है नहीं ना, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट समझो, 6 ले लो। क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे। तो 6 कौन कौन नंबर से कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। अब ये सारे को ऐड करो तो देखो तो मैजिक क्या होता है। शिवेंद्र बोला, क्या कर रहा है जी शिवेंद्र? आशुतोष बाबू, कैमरा डाउन करो, ये सारे को ऐड सर करो। 12 वन 1 + 2 + 3 + 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मैजिक हुआ कि नहीं हुआ? कैसे मैजिक हुआ सर? अरे मेरे लाल, 6 का दुगना आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6 का दुगना आ रहा है 12 कि नहीं? तो यदि किसी नंबर के भोला फैक्टर करने के बाद, है ना, उस सारे फैक्टर को ऐड करने के बाद अगर दिए गए नंबर से 2 टाइम्स आ रहा है, तो वैसे नंबर को क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे ना, परफेक्ट नंबर कहेंगे ना। तो गिनल चुनल ही परफेक्ट नंबर होता है। चार है तो चार के बाबू सारे डिजिट का सम करो, 1 + 2 + 4, है ना? चार के सारे फैक्टर हो गए, फैक्टर कौन कौन से हो गए? एक हो गया, दो हो गया, चार हो गया, तो इसको सम करो, 7 आ गया ना, तो चार का दुगुना नहीं ना आया? तो ये चार मेरा परफेक्ट नंबर नहीं होगा, फोर मेरा परफेक्ट नंबर नहीं होगा, है ना? हाँ सर, और कोई है? सोचो 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 सोचो, और कोई है? हाँ सर, लगता है कागो और है। गिनल चुनल है, गिनल चुनल। जैसे बाबू शांतनी, 28 ले लो, तो इसका कौन कौन से फैक्टर है ना? इसका कौन कौन सा फैक्टर है? 1 है, ठीक। 21 बाबू कौन कौन नंबर से मरेगा? तो 1 से मरेगा, और फिर 2 से मरेगा, फिर 3 से मरेगा नहीं, फिर 4 से मरेगा, फिर 5 से नहीं मरेगा, है ना? मतलब डिवाइड नहीं होगा। फिर 6 से मरेगा नहीं सर, फिर 7 से मरेगा, हाँ सर 7 से मरेगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से मरेगा, है ना? और फिर 28 से मरेगा। अब ये सारे डिजिट का सम करो शांतनी, जल्दी से सम करो। अनुष्का बोली, 1 + 2 + 4 + 7 + इतना प्लस इतना, ठीक। अब ये सारे डिजिट का क्या करो? सम करो, सारे फैक्टर का सम करो, देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू, जल्दी जोड़ो जी। लो बाबू कितना आ रहा है जी? आशुतोष वाला, कैमरा डाउन करो जी। आशुतोष, सर 56 ए हर्षवर्धन बोला, बोलिए कि बाबू, बाबू के बाबू लीव करवा दे क्लास से। हर्षवर्धन ये बोलता ही नहीं बाबू। ए हर्षवर्धन बोला, यस सर। लिख रहे हो बाबू? लिखते उखते हो बाबू? किसी तरह आए राम, खाली गए राम भोला। अच्छा, लिख रहे 56 होता है। चेक
चेक करते तो 28 है ना बाबू, इसके सारे फैक्टर का सम करो, 1 + 2 + 4 + 7 + 8 + 28 है ना, सम करोगे कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 56 56 आ जाएगा। तब मैजिक हुआ कि नहीं हुआ, कैसे मैजिक हुआ सर, 28 का दुगना 56 है कि नहीं है, 28 का दुगना 56 है ना, तो वही कहता परफेक्ट नंबर किसको कहेंगे, जिस नंबर के बाबू फैक्टर करने के बाद उसके फैक्टर को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद दिए गए नंबर से अगर दुगना आ रहा है ना, तो 628 का दुगना 56, 6 का दुगना 12, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे, ऐसे को क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे ना। तो आप लोग कंपटीशन वगैरह दोगे तो वहां आ सकता है परफेक्ट नंबर कौन कौन सा है, तो 6 है, 28 है, एक ला एक और है भोला आपका, वो लगता है 496 के आसपास है, इसका भी फैक्टर करोगे ना, है ना, फैक्टर करके सम करोगे है ना बहुत, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, परफेक्ट नंबर आ जाएगा, ये क्या होगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा ना। तो ये सारा आपको क्या, कल आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता दिए थे ना, नंबर सिस्टम के बारे में बता दिए थे, उसी से रिलेटेड आज ये क्लास है ना। तो इसमें बाबू हम लोग को पढ़ना क्लास 9 में बाबू क्या है, रेशनल नंबर, नेशनल नंबर है ना, दो गो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में है ना बाबू, कितना रेशनल नंबर होगा वो फाइंड आउट करो, और बाबू है ना, और बाबू क्या होगा, आपको इसमें क्वेश्चन दे रहेगा वो कि दो गो रेशनल नंबर दे रहेगा है ना, और उसके बीच में 5 गो रेशनल नंबर फाइंड करो, 10 गो रेशनल नंबर फाइंड करो, 50 को फाइंड करो। तो यहाँ पे टॉपिक यही बोला कि दो रेशनल नंबर के बीच में क्या है ना बाबू, दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होगा है ना, तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होता है, कितना होता है, इनफिनाइट रेशनल नंबर होता है ना, तो वही आपको इसमें फाइंड करने के लिए सिखाना। उसके बाद क्या सिखाना बाबू, √2, √3, क्या सिखाना, √2, √3 है ना, ये सबको नंबर लाइन पे कैसे लिखोगे है ना। तो पहले आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लिखना सिखाएंगे, और फिर आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लिखना सिखाएंगे ना, नंबर लाइन पे लिखना सिखा, बस इसमें दो ही टॉपिक है, रेशनल नंबर को बाबू है ना नंबर लाइन पे लिखिए, और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लिखे ना, ठीक। तो आप पहले हमको ये पता ना होना चाहिए सर कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लिखना और रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, ठीक। तो आप पहले आपको पता रहेगा तब ना कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो कोई भी नंबर बाबू जिसको आप क्या कर सकते हो, PQ के फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब PQ से हमको डर लग गया कि नहीं, सुतोष बोला कहाँ गया मेरा सुतोष, है ना, वेरी गुड बाबू, ठीक। तो अगर कोई भी नंबर है बाबू जिसको आप क्या लिख सकते हो, नहीं समझ में आता ना, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी नंबर को बोला यदि आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हो है ना, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे सर, रेशनल नंबर कहेंगे, वैसे को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे नहीं समझ में, अरे मेरे लाल देखो, जैसे नंबर मान लो 3 है, आइए 3/2 हो गया, तो फ्रैक्शन में हुआ ना वहां से, तो जो जो नंबर बहुत फ्रैक्शन में होगा वो सारे का सारे क्या होगा, रेशनल नंबर होगा है ना। तो जो न्यूमरेटर है उसको क्या मान लिया जाता है, पी मान लिया जाता है, डिनोमिनेटर को क्या मान लिया जाता है, क्यू मान लिया जाता है, डिनोमिनेटर को क्या माना जाता है, छोटका क्यू है ना, ठीक सर। तो यही डिफिनेशन में लिख दिया जाता है, कोई भी नंबर बाबू अगर PQ के फॉर्मेट में, तो पी मेरा क्या है सर, न्यूमरेटर है, क्यू मेरा क्या है सर, डिनोमिनेटर है। तो जो भी नंबर आप बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में देखोगे ना, वो सारे का सारे क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, सारे का सारे क्या होगा, रेशनल नंबर होगा है ना। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, PQ क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, PQ क्या होना चाहिए, इंटीजर, ऐसा मत ले लेना क्या सर, इंटीजर मतलब समझते हो ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसा मत ले लेना है ना, √2, √3, तो ये भी तो फ्रैक्शन में ना है, ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है, हाँ सर, तो ये भी तो PQ के फॉर्मेट में भी है ना सुतोष, हाँ सर, तो इरेशनल बनेगा, नहीं नहीं काहे, डिफिनेशन कह रहा, एनी नंबर बाबू दैट कैन बी बाबू रिटन इन द फॉर्म ऑफ बाबू PQ, ढेर PQ क्या होगा, इंटीजर होगा, PQ क्या होगा, इंटीजर होगा है ना, मतलब क्या सर, ऊपर का भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला भी इंटीजर होना चाहिए, या √2 √3 वगैरह नहीं होना चाहिए, हो जाएगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा, हो जाएगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा ना, रेशनल नंबर नहीं होगा ना, नहीं होगा, ठीक। क्लियर दिख रहा है बाबू शिवेंद्र, नहीं दिखता जी, क्लियर करता भोला, क्लियर नाइस करता अनुष्का बोर्ड भोलिए, चमक, सर, हाँ चलो चमकना नहीं चाहिए, मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे बाबू ग्लेयर कर रहा हाँ है सर ना आज, वहां पे हो रहा है ग्लेयर। हाँ बाबू 3 4 घंटा लगता है बाबू कहीं भी सेटअप करने में भोला, बल्ब ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा इशू यही होता, लाइट इस पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए ऊपर पे, यहाँ पे थोड़ा सा ये लैपटॉप में ग्लेयर कर रहा है, देखते हैं बाबू है ना, देखते हैं फिर लगेगा 2 3 घंटा फिर है ना, ठीक। तो रेशनल नंबर किसको कहेंगे सर,
जो भी नंबर बोला पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, ऊपरों का भी इंटीजर नीचे वाला भी इंटीजर। अगर ऊपरों का तो आप बाबू है ना ये स्क्वायर रूट ले लोगे चाहे क्यूब रूट ले लोगे तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। एक कंडीशन और है सर, एक कंडीशन और है, क्या लिखा है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या सर, क्या बोला, क्या बोला, क्या मतलब बोला, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 3/0। ये ऊपर वाला को P कहा गया बाबू, और नीचे वाला को क्या कहा गया, Q कहा गया, है ना। ठीक, तो ऐसा नहीं लिख सकते हो कि डिनोमिनेटर में जीरो। डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा ना तो वो रेशनल नहीं रहेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। तो रेशनल नंबर उसी को कहना भला जिसमें ऊपरे भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, है ना, और नीचे की वैल्यू जीरो नहीं। इंटीजर के मतलब क्या, जी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ लिखा है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो ना। तो ऐसे फॉर्म में जो भी नंबर है उसको क्या कहोगे, रेशनल नंबर कहोगे। ये मेरा रेशनल नहीं होगा, है ना। ठीक सर, इतना बात समझ में आ गया, है ना। ठीक बाबू, तो क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा। 6 मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, रेशनल होगा। हाँ सर, 6 के नीचे नहीं कुछ होता, जिस नंबर के नीचे नहीं कुछ होता वहां पे सब है ना, उसके नीचे क्या होता, सबका मालिक एक, है ना। तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो ये सबका मालिक क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये भी ऊपर भी P हो गया और नीचे भी Q हो गया, तो P बाई Q के फॉर्मेट में लिख दिया ना। हाँ सर, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 0 सर, हाँ सर, 0 रेशनल नंबर है। 0 के नीचे नहीं कुछ है तो क्या, 1 है, तो ये रेशनल नंबर है ना। हाँ सर, लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, है ना। 1/0 रेशनल का चल, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर में जीरो आपका नहीं होना चाहिए ना। ये श्रुति काहे वीडियो बंद के लिए भले, श्रुति बाबू सर ब्लर आ रहा था। अच्छा ठीक है। ठीक, तो यही आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता। अब इसी जो रेशनल नंबर है ना, 3/2, 4/3, ये सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेला सिखाएंगे, और 2 गो रेशनल नंबर के बीच में कैसे तीसरा रेशनल नंबर फाइंड करोगे वो सिखाएंगे। और उसके बाद हम लोग कहाँ मूव करेंगे, आपको थोड़ा सा इसमें दिया हुआ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दिया हुआ है, और फिर बाबू आपका इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, शाम में क्या होगा, शाम में इससे अलग टॉपिक होगा, है ना। वहां पे इक्वली डिविजन लेमा पढ़ा देंगे शाम में 9 से 10 में, और इक्वली डिविजन एग्लोरिदम पढ़ाएंगे, है ना। तो वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, दोनों अब यहाँ से चेंज हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट बोला, तो रेशनल नंबर समझ में आ गया। हाँ सर, तो नीचे कुछ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है रेशनल नंबर से रिलेटेड, क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा बाबू, है ना, वही समझिए, है ना, बोला वो समझिए आराम से, है ना। ठीक, क्या करा बाबू, रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल क्यू से। रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोला, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। हेलो शैतान, कैमरा डाउन करो जी। रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। थोड़ा सा जूम कर देते भोला, देखते हैं थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा जूम होगा ना जी। हाँ चलो हो ही गया जूम। बहुत ज्यादा हो गया सर। दो ही स्टेप है ये जी। या तो एक बार ज्यादा नहीं तो कम। चलो बोलो, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ चल, यहाँ तक ठीक है, अब देखो ग्लेयर करता कि नहीं करता, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू। अब रेशनल नंबर क्या होता है बाबू, रेशनल नंबर आप लोग किसको कहोगे भोला मेरा, है ना। तो जो भी नंबर बाबू, जो भी नंबर बाबू पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रहेगा उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे ना, रेशनल नंबर कहेंगे। इतना समझ में आ गया ना। जैसे 7/ आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रेशनल नंबर हो गया सर, है ना। 9/ कितना बाबू, -9/4, ये भी रेशनल नंबर है। अगर सिर्फ 6 का आएगा तो ये भी रेशनल नंबर बाबू। क्यों सर, क्योंकि बाबू 6 के नीचे नहीं ना कुछ है तो क्या होगा, 1 होगा, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। माइनस बाबू 5, है ना, नहीं यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये सारे के सारे क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू 0 भी रेशनल नंबर है, 0 भी मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन 1/0 मेरा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है ना। 1/0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बोला, रेशनल नंबर कम्स फ्रॉम बाबू, रेशनल में क्या सर, रेशियो है ना जी। अरे मेरे शैतान, कहीं भी बाबू 3/2 लिखा रहा है तो इसको क्या लिखते हैं, 3:2 लिखते हैं, और कुछ नहीं है, डरा दिया गया खाली, 3/2 है भोला, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, 3:2 लिखेंगे, है ना। ठीक सर,
तो रेशनल नंबर किससे आता है, वो रेशियो वर्ड से लिया गया है ना, रेशियो रेशियो। अरे 3:2 है ना, जो जो फ्रैक्शन में होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, रेशियो में भी लिखते हैं, है ना। तो रेशनल वर्ड किससे लिया गया, रेशनल नंबर बाबू रेशियो वर्ड से लिया गया, रेशियो वर्ड से लिया गया, है ना बाबू। कितना रेशनल नंबर होगा भोला, इनफिनाइट पॉसिबल है, कितने रेशनल नंबर होंगे, है ना बाबू। तो इनफिनाइट पॉसिबल है, आप लोग काउंट नहीं कर सकते, है ना, काउंट नहीं कर सकते। कैसे बाबू, अरे मेरे लाल, जैसे कोई 7 बोलेगा, कोई 8 बोलेगा, है ना, कोई 8/3 बोल देगा, है ना, कोई 9/ कितना बोल देगा, 4 बोल देगा, है ना। तो कितने रेशनल नंबर पॉसिबल है, इनफिनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल है ना, इनफिनाइट पॉसिबल है, ठीक बाबू। देयर इज नो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, सबसे छोटका सबसे बड़का रेशनल नंबर नहीं पॉसिबल। कोई बोलेगा 10 लाख, 10 लाख/20, तो कोई बोल देगा 50 लाख/20, कोई बोल देगा, है ना बाबू, 1 करोड़ बटा 20, है ना। तो इसीलिए बाबू ना ही कोई बड़का ना ही छोटका रेशनल नंबर पॉसिबल है ना, पॉसिबल है, ठीक। जीरो इज जीरो, अभी बताएं बाबू, जीरो भी मेरा क्या एक रेशनल नंबर, जीरो भी मेरा क्या एक रेशनल नंबर है ना। एवरी नेचुरल नंबर और इंटीजर, जितने भी बाबू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या सर, काउंटिंग नंबर या इंटीजर, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, जो भी नंबर है वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे ना, रेशनल नंबर होंगे, ठीक। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको कहेंगे सर, है ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको कहोगे बाबू, उसको समझो, इसको थोड़ा सा समझो, है ना, किसको कहेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। मन से पढ़ते चलना भोले, मेरा बच्चा सब बाबू तेज है। ए बिट्टू काहे बंद हो गया जी, बिट्टू नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है सर, ब्लर दिख रहा है वो। बोला। नेक्स्ट, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन बाबू इसका कई बजे कोचिंग से आते हो जी, आज इसका कॉपी चेक करते हैं, लिखता कि नहीं लिखता। देखो इक्विवेलेंट का एग्जांपल कैसे होगा, कितना बजे कोचिंग से आते हो बाबू, बोला हर्षवर्धन, ए हर्षवर्धन बोला, चलो कोचिंग यस से कितना बजे आते हो, yes. 9:30 9:30। नेक्स्ट, 1/2, हाँ सर, देखो 2/4, हाँ सर, है ना बोला, 3/6, हाँ सर, 4/8, हाँ सर, ये सारे का सारे रेशनल नंबर है कि नहीं है, हाँ सर है सर, कहा है सर, मेरे लाल, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी एगो नंबर है, डिनोमेटर भी नंबर है, न्यूमरेटर भी नंबर है, डिनोमेटर भी नंबर है, न्यूमरेटर भी नंबर है, डिनोमेटर भी नंबर है, न्यूमरेटर भी नंबर है, डिनोमेटर भी नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर है, तो ये इक्विवेलेंट है, कैसे सर, अरे मेरे लाल, इसको काटो, 2 से 4 काटो, तो 2/4 को क्या लिखोगे, 1/2 ये लिखोगे ना, 3/6 को क्या लिखोगे, 1/2 ये लिखोगे, 4/8 को क्या लिखोगे, 1/2 ही लिखोगे, है ना। तो ये सारे का सारे क्या बाबू, सेम है, ये सारे का सारे रेशनल नंबर आपस में क्या है, सेम है। तो जब सारा का सारा रेशनल नंबर आपस में सेम होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, उसी को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट। नहीं है सेम भोला, कैसे सर, अरे मेरे लाल, जहर का कमल, 2/4 तो मारोगे ना 2 से, जी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 3/6 है, 3/6 है, तो मारोगे ना 2 से, जी तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये जो सारे का सारे है भोला, सारे का सारे क्या है, सेम है। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे, क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। तो वही कह रहा बाबू, रेशनल नंबर डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन, वह रेशनल नंबर बाबू जिसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, मतलब उसका एक ही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जैसे 1/2 को हम लोग 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं, आगे सो ऑन, है ना, 5/10 भी लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख रहे हैं सर, ऐसे लिख रहे हैं, शांति से समझते चलना, है ना। जैसे 1/2 को आप क्या क्या लिख सकते हो, बहुत सारा लिख सकते हो, कैसे सर, शांति से, जैसे 1/2 है, एरो में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 9/18, है ना। फिर 1/2 में कितना, मान लो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हो, ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा, 10/20 हो जाएगा, है ना, हाँ सर। फिर ऊपर भी मन कर रहा भोला, मन कर रहा बाबू 15 से मल्टीप्लाई करने का, नीचे भी 15 से कर देना, तो 15/ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना, हाँ सर, कि नहीं, हाँ बात तो समझ में आता है। तो ये सब बाबू जो भी नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे, सारे का सारे क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन सारे का सारे क्या आशुतोष शैतान, सेम है, सारे का सारे क्या आशुतोष बाबू, सेम है। तो ऐसे रेशनल नंबर को क्या कहेंगे बाबू, इक्विवेलेंट कहेंगे, ऐसे को क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट कह देंगे, क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे, और कुछ नहीं होता, है ना, कुछ नहीं होता। तो इक्विवेलेंट के नीचे हमको अगर एग्जाम्पल लिखना रहे बाबू, तो मेरा बच्चा नहीं लिख लेगा, हाँ सर लिख लेंगे सर, काहे पढ़ा रहे हैं, आराम से लिख लेंगे, कौन कौन लिखेंगे, कौन कौन लिखेंगे, ये शैतान थोड़ा सा खाली ग्लेयर कर रहा, कौन कौन सा लिखेगा, जैसे मान लो आप एक छोटका रेशनल नंबर 3/4 हो गया,
इस सबसे छोटका वाला है। अब इसी में अपने मन से सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो मन है ऊपर नीचे, जैसे दो से ऊपर है दो से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी में ऊपर से ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई, 3 3 9 4 12, तो कितना हो जाएगा दीदी, 9/12 हो जाएगा, है ना। कौन सर आपको मन करे बाबू, 5 ऊपर 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 नीचे, तो 15/ कितना 20 हो जाएगा, है ना। 15/ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 15/ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सारे का रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या है सेम है ना, इसको मार धार करोगे ना यही चीज आएगा, इसको कट पिट करोगे यही चीज आएगा, इसको कट पिट करोगे यही चीज आएगा, तो सारे का सारे क्या सेम। तो ऐसे रेशनल नंबर को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे, क्या कहेंगे इक्विवेलेंट कहेंगे ना, इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बोला जैसे बाबू कितना बाबू है ना, 5/ मान लो 7 है ना, तो इसको इक्विवेलेंट लिखने का आएगा, तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में मान लो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 2 से, तो ऊपर में 2 से करो तो 5 2 10, नीचे 2 से करोगे तो 7 2 14, नेक्स्ट ऊपर 3 से करो नीचे भी 3 से, तो 15/ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ऊपर कितना 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 20/ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब जो भी नंबर है सारे का सारे क्या सर, इक्विवेलेंट है, सारे का सारे क्या इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट समझ में आ गया, लिखे बोला, समझे बाबू, दिख रहा जी श्रुति शैतान, क्या यस बोली सर, श्रुति, दिख लक्ष्मी लिख रही, बोली लक्ष्मी बाबू, लाइट नहीं है जी, जल्दी यस लिखे, सर, लिख जल्द जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू कैसा दिखता, अब रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो ना भोला की कैसा दिखता है, क्लियर दिखता है, क्या कमी है। रिकॉर्डिंग होगा सुबह देखेंगे क्या क्या कमी है, क्लियर दिख जाएगा शांतनी, है शांतनी क्लियर हाँ सर, दिखता भोले, चलिए हाँ सर, सही दिखता अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, अब ये रेशनल नंबर है भोला है ना, तो रेशनल नंबर को कहाँ करेंगे बाबू, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा बाबू, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म अपना, सिंपलेस्ट फॉर्म बोला वो भी बता दे बाबू, लिख लो है ना। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म रेशनल नंबर क्या होता है बाबू, देखो एक वो भी टर्म में बोला कहला आप लोग बाबू है ना, वो भी सिखाइए देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बाबू सिंपलेस्ट लिख लिया इसको जी, जल्दी लिखो सुतोष। नेक्स्ट बाबू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इसको समझा देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहला हाय सर आप ले बाबू, हमको लगा आप लोग जानते होंगे। निको नहीं लिख रहा है भोला, जिंदगी जीने में लगा है जी, लिख ठीक है सर, रहे हो अभी रुको चेक करते हैं, जल्दी लिखो बाबू, शैतान बैठ कहाँ लिख रहा है जी, बाबू साहब की तरह बैठा हुआ कारण लिख रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म डेट के साथ, आज आज का डेट मारो तो बोला सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, अभी आपके मम्मी को रुको फोन करते शैतान। देखो बाबू वह रेशनल बाबू जिसका बाबू है ना कॉमन, दोनों में कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई और नहीं रहे, वैसे रेशनल नंबर को बाबू क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, कुछ हो ना समझ में आया, एग्जाम्पल से समझो है ना, एग्जाम्पल से समझो, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर किसको कहोगे है ना, किसको कहोगे, ठीक एग्जाम्पल से समझिए, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है ना। नेक्स्ट बोला देखो सर डिफाइन भी करना पड़ेगा बोला, अच्छा डिफाइन ऊपर कर लेंगे पहले समझ लो, जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल 3/4, तो ये दोनों में बाबू इससे छोटा क्या फ्रैक्शन पॉसिबल हो सकता है, मतलब बाबू 1/3 में बाबू कोई कॉमन फैक्टर है, 1 को छोड़कर 1/3 में ऐसा कोई नंबर है सर जो 1 को छोड़कर जो 3 को भी डिवाइड करे 4 को भी डिवाइड करे, नहीं है। तो ये जो रेशनल नंबर ये क्या है सबसे छोटका फॉर्म में है, नहीं समझ में आया आगे समझो, जैसे 6/ मान लो 4 है ना, हाँ सर बात तो समझ में आता है ठीक,
इसमें इस फ्रैक्शन में इस रेशनल नंबर वो है ना, इस रेशनल नंबर वो कोई ऐसा नंबर है भोला वन को छोड़कर जो सिक्स को भी डिवाइड करता है टू और फोर को भी डिवाइड करता है? हाँ सर टू है। इसका एगो फैक्टर देखो, इसका छह का कौन कौन नंबर से मरेगा? वन से मरेगा, टू से मरेगा, तीन से मरेगा, छह से मरेगा। छह का फैक्टर कौन कौन? वन टू थ्री सिक्स होगा। फोर का फैक्टर कौन कौन होगा? वन होगा, टू होगा, फोर होगा। तो ये दोनों में भोला कॉमन फैक्टर एगो मिल गया ना। इसका कॉमन फैक्टर निकाल, इसका फैक्टर निकालो, वन होगा, थ्री होगा। फोर का निकालो, वन होगा, टू होगा, फोर होगा। तो इसमें भोला वन के सिवा कोई और नंबर नहीं ना मिल रहा है? नहीं सर। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। इसमें वन के सिवा बाबू एगो और नंबर मिल गया ना, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर नहीं होगा। वह रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे भोला भोली लक्ष्मी आशुतोष, जो बाबू क्या हो सबसे छोटकार है, फर्दर डिवाइड नहीं हो। जैसे सिक्स बटा फोर है भोला, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। कैसे सर? दो से काटो तीन, दो से काटो कितना? दो, तो थ्री बटा दो। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये जो रेशनल नंबर है ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, कि ये वाला सिंपलेस्ट फॉर्म है। बात समझ में आती है ना? तो सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहो? वह रेशनल नंबर भोला है ना बाबू, वह रेशनल नंबर वो जिसमें बाबू कॉमन फैक्टर वन के सिवा कोई नहीं रहे, है ना। जैसे 10/5, तो 10/5 आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। काहे मेरे लाल, है ना, क्योंकि 5 से 10 मर जाएगा दो बार में, मरना नहीं चाहिए। सिंपल से अब आप अपने भाषा में समझो कि सिंपलीफाई नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे। और कुछ नहीं है, डरा दिया गया, और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। तो लिख लो एक लाइन भोला, दो चार को एग्जाम्पल लिखा देंगे इसमें, है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा बाबू मेरे? रेशनल नंबर पी वाई क्यू इज सेड टू बी, क्या लिखोगे? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पी बाई क्यू इज सेड टू बी, सेड टू बी इन इट्स, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ पी एंड क्यू आशुतोष भोला, तक कोचिंग का क्लास बताया नहीं बाबू, इफ पी एंड क्यू हैव बीइंग। आशुतोष बाबू यस सर। आओ, उसे तानू का नहीं आता छोटका जी? सर आज से आएगा सर, नेटवर्क से प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पर तो वाईफाई लिया बाबू? सर, गांव में है सर। अभी गांव में पहुंच गया जी। कहाँ? रांची से अभी गांव चल गया बाबू? सर रांची अभी नहीं गए थे। नहीं अभी रांची नहीं गया था? सर, तो कब जाइएगा राज? अभी नहीं, ये थी फ्लाइट थी मिला है उसको, क्या बोलते हैं, फ्लाइट वगैरह। नहीं सर अभी नहीं मिला। जैसे 10/15, तो ये नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, क्योंकि और मरेगा। सब लिख 2/4, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि और मरेगा, क्योंकि ए विक्रम सैतान म्यूट करो जी, ईटीसी। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे, है ना। लिखिए बाबू नेक्स्ट। बाबू लक्ष्मी क्लियर दिखता है जी? हर्षवर्धन कोचिंग नहीं जाएगा भोला? ए हर्षवर्धन बाबू जाएंगे सर, कितना बजे जाइएगा? निकलेंगे 10 मिनट। कै बजे से क्लास है बाबू? 7:10 में शुरू होता है। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। था नेक्स्ट एक लाइन हेडिंग बाबू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन, है ना।
हम लोग इसमें क्या रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कहाँ सीखेंगे, नंबर लाइन पे। इसको जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, साइडो बन रहा है थोड़ा सा बल्ब बाबू, ये को तो वहां ठीक है। लिखे लिखे बोला। गुड इवनिंग सर। ऐसे ताना भी गुड इवनिंग नहीं हुआ जी, अच्छा टाइम जल्दी तो लिखे। हो गया। अच्छा चलो लिख ली। लक्ष्मी कहाँ गई, लक्ष्मी जी लिख ली बोली लक्ष्मी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग क्या बाबू, रेशनल नंबर। हम आपको क्या पढ़ा रहे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है ना। और शाम को बाबू, शाम को इससे थोड़ा सा लाइन ये लिंक डाइवर्ट हो जाएगा। अगला हेडिंग क्या होगा बाबू, रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे है ना, रेशनल नंबर को भोला, यही हमको सीखना है ना, ये सीखना। इंटीजर को तो जानवे करते हो है ना, नंबर लाइन का सीखना है ना, रेशनल नंबर का। ठीक, अच्छी बात है। रहने तो वो भोला, इसकी कहानी कल है ना। बढ़िया चल रहा था बाबू शिवेंद्र गो भोला कि ग्लेयर वगैरह कर रहा था जी, नहीं सर, नहीं ग्लेयर कर रहा था बोर्ड बाबू, क्लियर दिखाई दे रहा नहीं। था। यस सर, अच्छे ठीक है, जाइए बाबू, बाय बाय सर। सर बाय बोल रहा। अजय सर, मेरा वीडियो आ रहा है। बाय नहीं आ रहा था उस टाइम, सर। सर अभी भी नहीं। अभी देखेंगे तब ना बाबू। अच्छा जिसमें देखिए बाबू कैसे, होगा अब बोला जिसमें होगा।